सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज किस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ इस गोरिल्ला ट्राइपॉड का, और हम इससे लेंगे कुछ क्रिएटिव मूव्स, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये क्यों लेना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट होता है, सब कुछ डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली मेरे हाथ में गोरिल्ला ट्राइपॉड है, और आपने इसको काफ़ी ब्लॉगर्स के हाथ में भी देखा होगा, बिकॉज ये ब्लॉगिंग में तो यूज़ होता ही होता है, पर आप इसको सिनेमैटिक वीडियोस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और 500 रुपये के अंदर यार कमाल का इक्विपमेंट है, और इसकी ग्रिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपका कैमरा कहीं भी गिरेगा नहीं, स्मार्टफोन भी आप लगा सकते हैं, DSLR भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ मूव्स लूँगा और आपको बताऊँगा कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। सो सबसे पहला मूव मैं यहाँ पे लूँगा, मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट सामने खड़ा है, ठीक है, और आपको उसको मोशन में दिखाना है, बिल्कुल एक सिनेमैटिक तरीके से आपको दिखाना है। तो अगर आप हैंडल शूट करेंगे तो आपके वीडियोस में जर्क आ सकता है। आपने सिंपली क्या करना है, अपने गोरिल्ला ट्राइपॉड की सभी लेग्स को फोल्ड कर देना है कि आपको एक प्रॉपर ग्रिप मिले। ग्रिप मिलने की वजह से क्या होगा कि अगर आप अपना कैमरा ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो आपको बहुत ही कमाल का मोशन देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं सिनेमैटिक शॉट, ठीक है। तो चलिए इस शॉट को लेके देखते हैं। सो आई होप कि आपको ये पहला मूव पसंद आया होगा, और उसके बाद बात करते हैं हमारे सेकंड मूव के बारे में। अब जैसा कि यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे स्लाइडर शॉट लेना हो, बिल्कुल एक सिनेमैटिक वे में मैं कैसे लूँगा, जस्ट आपने अपने गोरिल्ला ट्राइपॉड की लेग्स को बाहर निकाल देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जैसे आप बाहर निकालेंगे तो आपको एक बहुत ही कमाल का ग्रिप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होगा कि अगर आप अपने मोशन के आसपास कैमरा को इस तरीके से हिलाते हैं तो आपको एक बहुत ही कमाल का स्लाइडर शॉट देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूव को करके हम देखते हैं। सो अभी हमने देखा सेकंड मूव, अब बात करते हैं हमारे थर्ड मूव के बारे में। अब जैसा कि अगर आपने प्रोडक्ट वीडियो को शूट करना है, सोलो बीरियल वीडियो को शूट करना है, जिसमें आपने अपना फेस शो नहीं करना है, जस्ट आपने अपने हैंड्स दिखाने हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट आपने अपना गोरिल्ला ट्राइपॉड की लेग्स को, ठीक है, बाहर निकालना है कुछ इस तरीके से। और बाहर निकालने के बाद अब यार इस चीज़ को ध्यान से करना, वरना अगर कैमरा या स्मार्टफोन गिर गया तो ख़त्म सब, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करके आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से लगा लेना है, ठीक है। अब जैसा कि लगाएंगे अगर आप, तो आपको एक कमाल का मोशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ हैंड शो होंगे और आसपास का सिर्फ एरिया शो होगा और आपका फेस शो नहीं होगा। तो आपने कुछ वीडियोस में भी देखा होगा कि कुछ इस तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। तो लाइक कि आप इसको लगा सकते हैं, और थोड़ा सा मुझे ये लूज़ लग रहा है, तो इसको आप बिल्कुल टाइट लगाएं कि आपका कैमरा गिरे नहीं, बिकॉज इसको आपको थोड़ा केयरफुली करना होगा। तो चलिए इस चीज़ को हम करके हम देखते हैं। सो आई होप कि आपको ये थर्ड मूव पसंद आया होगा, और आप काफ़ी सारी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो इसको यूज़ करके, जिसका नाम है गोरिल्ला ट्राइपॉड, बिकॉज यार 500 रुपये के अंदर कमाल का इक्विपमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद मैं फोर्थ मूव यहाँ पे लूँगा। अब जैसा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक स्टेडी कैम की तरह बिल्कुल स्लो मोशन में एक मतलब मूव मिले, ठीक है, अगर मैं उसको हैंडल शूट करता हूँ लाइक कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे एरिया बहुत टाइट है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरे हाथों में शेक आ सकता है और वीडियो फुटेज ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो सिंपली मैं अब इसको कन्वर्ट करूँगा, मीन्स की जिसे हम कहते हैं ना होम मेड गिम्बल, ठीक है, कुछ इस तरीके से कर देता हूँ मैं स्टेडी कैम की तरह, कि मुझे एक सपोर्ट मिल जाए और अच्छा ग्रिप मिले, ठीक है, और लाइक की कुछ इस तरीके से कर दूंगा। अब आपने थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है, कि आपका कैमरा बिल्कुल बैलेंस में रहे, ठीक है। आपने यहाँ पे जो इसका जो बटन है, नट है, ठीक है, इसको टाइट करके रखना है हर चीज़ को, कि आपका कैमरा या स्मार्टफोन गिरे नहीं, ठीक है। तो जस्ट आप अब देख रहे हैं कि लाइक एक तरह का मुझे ग्रिप मिल गया, ठीक है। अगर मैं अपने कैमरे को स्लो से मतलब कि स्लो मोशन में कुछ इस तरीके से आगे पीछे करता हूँ, तो मुझे कमाल का मोशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस मूव को करके हम देखते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट मूव के बारे में, जो होता है हमारा क्लासिक ब्लॉगर स्टाइल। अब आपने देखा होगा कि ब्लॉगर्स तो कुछ इस तरीके से वीडियो बना रहे होते हैं, ठीक है, कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी सिनेमैटिक आइडियाज़, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़ होता है ब्लॉगिंग में, बिकॉज ये काफ़ी सस्ता मतलब इक्विपमेंट है। अब आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी मे बी, कि कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम ऐसी वीडियोज़ को बना लेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि हम जस्ट अपने हैंडल से शूट कर लें और व्लॉग हमारा अच्छा बन जाएगा, बिकॉज हमारे हाथों में इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती, हमारे हाथों में शेक आ सकता है और हमारी सारी मेहनत ख़राब हो सकती है, ठीक है।
तभी हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं गोरिल्ला ट्राइपॉड को, जिसकी मदद से हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है, हमारा कैमरा हमारे फेस से बहुत दूर होता है। अब आपने क्या करना है कि लाइक कि अगर आपने पीछे से कोई व्यू दिखाना अपना, ठीक है, बैकग्राउंड दिखाना है, या आप अपना फेस भी दिखाना चाहते हैं, अगर आप कोई भी हाईलाइट चीज़ करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही स्मूथली अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो तभी व्लॉगर्स इस गोरिल्ला ट्राइपॉड को यूज़ करते हैं, बिकॉज वीडियोस में काफ़ी सारा वेरिएशन आ जाती है और आप इसको इजीली होल्ड कर सकते हैं और आपका कैमरा और स्मार्टफोन बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया इस गोरिल्ला ट्राइपॉड के बारे में आपको पसंद आया होगा, और आप इस ट्राइपॉड को परचेज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं गोरिल्ला ट्राइपॉड, बिकॉज इसका प्राइस काफ़ी कम है और आप इसको यूज़ करके इजीली अपनी वीडियोज़ को बना सकते हैं। तो होप आपको वीडियो चलेगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।